हम लोगों ने जब चुनाव का नतीजा आया उसके बाद आपका इंटरव्यू किया था, जिसमें आपने कहा था कि विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि क्या वजह रही थी, तो अब तक क्या कोई प्रमुख वजह है कि अब सामने आई है? क्योंकि आप लगातार अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, वहाँ पे भी मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो क्या एनालिसिस अब तक रहा है? देखिए, पहला तो हम लोगों ने तय किया है कि विधानसभा वार समीक्षा करा करके वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है कि क्या कमी रही है, तो उसको हम लोग मिल करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत साक्ष्य मैं दे सकता हूँ। अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पार्टी चलाता हूँ। जो चार चार बार सत्ता की पार्टी रही हो, चाहे भाजपा ये बसपा रही हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को, उनका वोट कहाँ गया? कोर वोट आपके बीएसपी का कोर वोट 22% माना जाता है और वोट पा रही है 12%, 10% वोट कहाँ कर दिया, कहाँ चला गया, क्यों छोड़ दिया? और जो कांग्रेस है, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, तो कांग्रेस के पास भी जो पूंजी थी वो भी पूंजी इन्होंने बीजेपी को थमा दिया कि गठबंधन न जीते आप भले जीत जाओ।